अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो जो भी आजकल लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही मनपसंद व्लॉग होगा, क्योंकि हम इसमें आपको दिखाएंगे बहुत से कपड़ों की वैरायटी। शादी के लिहाज से कपड़ों की शॉपिंग करने हम गए थे, और जाते हुए ये हम लोग ब्रिज से गुजर रहे थे, और आप सब लोगों ने कमेंट में गेस करना है कि ये कौन सा पुल है, और जो भी सही नाम बताएगा उसको मैं किस तोहफे की सलामी पेश करूँगी। तो जी जनाब, आज का शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह के ड्रेसेस ले सकते हैं। सो फर्स्ट दुकान पे हम गए थे, और यहाँ पे हमने फिर स्टार्ट किया यहाँ पे मेहंदी की ड्रेसेस देखने से। तो उन्होंने ये हमें दिखाई, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस में ड्रेसेस थे। इनके साथ बहुत ही खुला सा प्लाजो बना हुआ था, और साथ ही इसके कढ़ाई वाली कमीज़ें थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये कलर्स थे इसमें, और इसके साथ आप चाहें तो एक सेपरेट शर्ट भी दे रहे थे कि आप लोग चाहें तो इसके साथ कुछ भी बनवा सकते हैं, प्लाजो, शरारा, गरारा, जो भी आप बनाना चाहते हैं। एक और शॉप में हम लोग गए, और यहाँ पे हमें ये वाइट कलर के जो शिफॉन के ड्रेसेस थे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। अलग से दुपट्टा और कमीज़, और ये लोग आप दुपट्टा और कमीज़ अलग से दे रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पसंद आ गया, हमने इसे ले लिया। ये डाइएबल था, आप लोग लेके इसको डाई भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट शॉप पे क्या हम गए, और यहाँ पे बहुत ही नफीस और उमदा काम हुआ हुआ था ड्रेसेस पे, और हमने बारात के लिहाज से बोला कि हमें ड्रेसेस दिखाएं, तो उन्होंने हमें फिर ये सब ड्रेसेस दिखाई। यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस है ये हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके नीचे आप लोग चाहें तो लहंगा विद कैन कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल ये सारा वर्क। बारात के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त थे। और उसके अलावा ये ड्रेस उन्होंने हमें दिखाया, इसका भी काम बहुत ही खूबसूरत था, ये भी बहुत ही नफीस और उम्दा काम था इसके ऊपर हुआ हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त था। फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप पे गए, यहाँ पे तो इतनी वैरायटी थी कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन वैरायटी इनकी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पसंद आए, और ये जो रेड वाला ड्रेस है इसका तो कलर बहुत ही खूबसूरत है बारात के लिहाज से। और फिर हमने यहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस चेक किए, और यहाँ से भी हमने फिर एक ड्रेस लिया था, और बहुत ही खूबसूरत ये वाला जो शर्ट है इसके ऊपर बहुत खूबसूरत काम था, बहुत ही प्यारे फूल बने हुए थे, मोती लगे हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत सा काम था। बारात के और वलीमा के लिहाज से हम लोग यहाँ से ड्रेसेस देख रहे थे। फिर हमें ख्याल आया कि क्यों ना साड़ी भी देख ली जाए, तो उन्होंने हमें फिर साड़ी के लिए ये वाला फैब्रिक दिखाया। ये नेट के ऊपर काम था सितारे का, और ये इसमें कलर्स थे, आप लोग चाहें तो इसके साथ ब्लाउज़ इसका बनवा सकते हैं ये वाला, और साथ आप इसके लिए सिंपल सिल्क की या फिर कोई भी फैब्रिक में आप साड़ी कैरी कर सकते हैं, या फिर आप इसका होल इसको साड़ी बना सकते हैं, और ब्लाउज़ आप सिंपल रख सकते हैं। तो जी जनाब, खाने के बाद लगी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने फिर बारबेक्यू से अपना पेट फुल किया, और बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग खाना वगैरह खा के निकल पड़े घर की तरफ। रास्ते में मुझे बहुत ही प्यारी ये मिट्टी के बर्तन नज़र आए, और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। पाकिस्तान में तो मिट्टी के बर्तन बहुत मशहूर हैं, और आजकल तो ये कढ़ाइयाँ और ये जो हांडियाँ हैं ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो इसके भी डिफरेंट साइज़ थे। और ये जो मिट्टी का जग है इसमें तो पानी पीने का अपना ही मज़ा है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और पानी में आए तो क्या ही खूब मज़ा आता है। तो यहाँ पे जनाब डिफरेंट साइज़ थे हांडियों के, और ये जनाब इसमें एक कढ़ाई थी, और कढ़ाई के भी डिफरेंट साइज़ अवेलेबल थे, और साथ में ग्लासेस थे, और मिट्टी के कूलर थे। और फिर हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ।